क्या बिहार में एक बार फिर खेला होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की फिराक में है? ये सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे नीतीश कुमार का बयान है। नीतीश कुमार ने खुद सिग्नल दिया है कि उनका मन एक बार फिर डोल रहा है। दरअसल जेडीयू के अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिए गए बयानों के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को हवा मिल गई है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ आएंगे। दरअसल जेडीयू के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि वो बीजेपी से क्यों अलग हुए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। नीतीश कुमार ने कहा कि इन्हीं दोनों नेताओं ने सलाह दी थी कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर 7 दलों की सरकार बनाइए। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश ने भी आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू को डैमेज करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। नीतीश कुमार के इन बयानों में गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार बीजेपी से अलग होने का ठीकड़ा उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री बिजेंद्र यादव पर फोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी से अलग होने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं ले रहे? वो लल्लन सिंह और बिजेंद्र यादव को इसके लिए जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं? दरअसल बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो सीएम नीतीश कुमार जब कभी किसी फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं तब वो कोई राजनीतिक दाव चलते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की है। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इससे पहले 2015 में बने महागठबंधन से 2017 से अलग होकर एनडीए में दोबारा जाने पर सवाल पर वो कहते हैं कि कैबिनेट के अहम सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर दोबारा बीजेपी से गठबंधन करने का फैसला किया था। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने के सवाल पर लल्लन सिंह और बिजेंद्र यादव की सलाह का जिम्मेदार बता रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को पलटी मारने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार के बाद प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने भी तर्क दिया था कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के करीबी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। पीके ने कहा था कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने का ऑप्शन रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।